सभी टाइप की जो वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड का हो या फिर आपका आईओएस का हो, दोनों तरह की जो मोबाइल एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट है, क्या इस तरह की वेबसाइट हम अपना खुद भी बना सकते हैं? क्या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं जो चाहे आईओएस के लिए हो या फिर एंड्रॉयड के लिए, क्या इस तरह की चीज़ें हम भी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो क्या कॉस्ट आ सकती है, किस टाइप से डिज़ाइन होगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस रिव्यू वीडियो में जानेंगे। तो जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त रिव्यू वीडियो। इस रिव्यू वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मल्टी रेस्टोरेंट अगर आपको बनाना हो तो वो मल्टी रेस्टोरेंट किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये फूड टाइगर की एक वेबसाइट है, फूड टाइगर के नाम से वेबसाइट है। ये PHP लाराबिल से इसके बैकएंड बने हुए हैं, और जबकि इसके एंड्रॉयड के जो है ऐप भी अवेलेबल हैं, साथ साथ ISO की भी ऐप अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे वेबसाइट प्लस एंड्रॉयड ऐप दिखाने वाला हूँ, और सेम एंड्रॉयड ऐप की तरह से भी आपका ISO ऐप होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं। जब हम स्विगी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये मांगता है कि आप जो है अपना पिन कोड डालिए या फिर अपना एरिया कोड डालिए, एरिया नाम डालिए। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड डालने के टाइम ही आपके पास ये पूरा एरिया जो आपके एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम यही डिज़ाइन है आपका फूड टाइगर का भी। फूड टाइगर का भी सेम यही डिज़ाइन है। जब आप साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो इस जगह में अवेलेबल है, इस सिटी में अवेलेबल है, तो इस तरह का दिखाएगा आपको। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड आप डालेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई सा भी एरिया है तो कुछ भी एरिया में अगर आप चाह रहे हैं तो आप एरिया का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे एज अ डेमो पर्पस के लिए दिया हुआ है, आप एड्रेस डालें या पिन कोड डालें, उस एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको आ जाएगा, ठीक है? सपोज़ कि मैंने यहाँ पे अभी पिन कोड किया, इसमें दो ऑप्शन है, एक पिकअप का भी ऑप्शन है, साथ साथ डिलीवरी का भी ऑप्शन है। जबकि आप अगर स्विगी की बात करेंगे तो स्विगी में इसमें ऐसा कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं था, ना ही पिकअप की ना ही इसकी, उन्होंने कहा डायरेक्ट आप एंट्री दे दिया, ठीक है? बट यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पिकअप लेना चाहें तो पिकअप भी ले सकते हैं, और साथ साथ जो आप डिलीवरी लेना चाहें डिलीवरी भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है? तो ये देखिए कितना का अभी क्या वो सारे रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं सेम एज इट इज़, उसी टाइप से जिस तरीके से आपका स्विगी का है, ठीक है? हाँ, जहाँ तक रही बात की है जैसे हावेवर लगाएंगे तो आप हावेवर भी एज इट इज़ उस तरह से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इस तरह से आपने अभी रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या मेन्यूज़ हैं वो मेन्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा मेन्यूज़ है, इसी आपका फ्रेश पास्ता है, और यहाँ पे आपका ये सलाद का आइटम्स है, और यहाँ पे आपको जो मिलेगा पिज़्ज़ा का आइटम मिलेगा। तो सेम इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहें तो सेम आप प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट करने के बाद सेम इस तरह से अगर आपको पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर करना है तो पिज़्ज़ा के अंदर भी स्मॉल लेना है या मिनिमम लेना है, लार्ज लेना है, फैमिली वाला लेना है, जो लेना है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करते ही आप इसमें कोई अगर डिज़ाइन हो कुछ हो तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? सेम यही चीज़ आपको वहाँ पे भी मिलेगा, स्विगी के अंदर भी मिलेगा। स्विगी के अंदर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ओपन करते हैं वहाँ पे ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, सेम इस तरह का ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए फूल हाँ इस तरह का भी ऑप्शन है, मल्टी ऑप्शन आ जाता है। सेम वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे फूड टाइगर के अंदर भी मिलेगा। इसी तरह का अगर आपको दूसरा आइटम लेना हो, कोई दूसरा आइटम पर आप क्लिक करेंगे सिंपल का एकदम बिल्कुल, उसके बाद आपको चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन देगा, सेम एज उसी तरीके से जिस तरीके से आपका स्विगी का है। स्विगी में भी इन्होंने साइन अप का ऑप्शन दे रखा है, और आपका यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रखा है, सेम एज इसी तरह का यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अभी गूगल से मैं कर लेता हूँ एज अ साइन अप। अगर आप गूगल से नहीं करना चाह रहे तो आप जो है डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, मेल से भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल मैं जोमेटो टाइप की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन अगर बनाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं बिल्कुल ईजिली। हाँ, रही बात अब यहाँ पे कि आप इसको बनाएंगे कैसे, जिसके दो ऑप्शन हैं। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं तो डेवलपर के लिए कहें कि मैं यहाँ से जब कोड अगर बाय करना चाहें तो आप कोड बाय कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग
वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।